हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि कल विधानसभा सत्र में आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। तो इसमें दोस्तों, छत्तीसगढ़ जितने युवा बेरोजगार साथी है सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि 9 मार्च 2019 को शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद में फिर से 10,000 जो पद है उसकी भर्ती होने वाली है। दोस्तों, तो आइए हम उन्हीं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के हैं, बहनों के हैं, जिनका ये मन में सवाल है। दोस्तों, उन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि आर्ट की भर्ती होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे साथियों का कहना है कि आर्ट के पद नहीं आएंगे, या कुछ साथियों का कहना है कि विज्ञान या गणित की भर्ती होगी कि नहीं होगी। इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। कैसे बनी है, देखिए, इसके पहले जब 14,580 पद आए थे तो केवल साइंस के और मैथ्स के पद थे, आर्ट के पद नहीं थे। लेकिन अभी की स्थिति में आर्ट वाले साथी हड़ताल कर रहे थे कि उनकी भी भर्ती आए, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक संशय की स्थिति बन गई है कि क्या अब साइंस के पद नहीं आएंगे इस बार की भर्ती में, क्योंकि पिछली बार की भर्ती में साइंस के ही पद थे, तो क्या इस बार की भर्ती में केवल आर्ट्स के पद शामिल होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, भर्ती सभी विषय की आएंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल की जो विधानसभा सत्र में भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा है कि जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर भर्ती होंगी। तो ये जरूरी नहीं दोस्तों कि सिर्फ गणित या साइंस विषय के शिक्षक की ही कमी है। ऐसे स्कूल है जहां पर आर्ट विषय के भी शिक्षक की कमी है। जैसा कि सूचना के अधिकार के तहत हमारे आर्ट वाले साथियों ने, भाइयों ने, उनको अलग से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर लिया है। तो भर्ती आएगी दोस्तों, आर्ट, साइंस, गणित सभी विषयों के पद उसमें शामिल होंगे। इसको हम एक तरह से यह भी देख सकते हैं दोस्तों कि आर्ट वाले साथियों ने, भाइयों ने जो हड़ताल किया था, उनका भी लाभ कहीं ना कहीं उसको इस 10,000 भर्ती के लिए हुआ है। अर्थात उनके हड़ताल का लाभ 10,000 भर्ती का आने से हुआ है। ये तो रहा दोस्तों सवाल कि आर्ट की भर्ती होगी कि नहीं, विज्ञान गणित की भर्ती। तो दोनों पदों में, अर्थात विज्ञान, आर्ट, साइंस, तमाम विषयों के पद पर भर्ती आएंगी दोस्तों। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों कि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि क्या भर्ती, अर्थात भर्ती कब तक हो जाएगी, ये भी सवाल बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए, चुनाव अभी 1 साल बचा हुआ है, आप सभी जान रहे हैं। हम इसे एक तरीके से चुनावी प्रलोभन के रूप में भी देख सकते हैं, चुनावी मुद्दा भी समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में नए भर्तियों का आना कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी इसे हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो भर्ती जो आने की संभावना है, चुनाव 1 साल है दोस्तों, तो साल भर के अंदर में भर्ती तो जरूर आएंगी, लेकिन एग्जैक्ट लगभग हम समय की बात करें तो नवंबर दिसंबर तक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। प्रबल संभावना दोस्तों नवंबर दिसंबर तक आने की बन रही है, तो तैयारी जारी रखें, बहुत जल्द भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आएंगे दोस्तों। हमारा एक यह भी सवाल है दोस्तों जो कई सारे मित्रों का है कि क्या सीटेट को मान्यता मिलेगी, क्योंकि अभी जो CGTET का एग्जाम हुआ था दोस्तों उसका रिजल्ट आया है, बहुत से लोग पास नहीं हो पाए हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में। CTET की परीक्षा इस बार सरल होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ने CTET की परीक्षा पास कर लिया है, तो उनके मन में यही सवाल बन रहा है कि क्या CTET को छत्तीसगढ़ में मान्यता दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि क्या आप TET पास हैं, उसमें ये कभी नहीं लिखा होता कि क्या आप CGTET पास है। अर्थात आप चाहे CGTET हो या CTET हो, कोई भी TET पास हो, लेकिन आप TET पास हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है दोस्तों। अर्थात CTET को भी पूरी मान्यता हमारे छत्तीसगढ़ में दी गई है दोस्तों। हमारा एक और सवाल बनता है कि परीक्षा व्यापम लेगा या शिक्षक विभाग।
तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में जितने भी विभाग की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, उन तमाम परीक्षाओं का जो आयोजक होता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर होता है, अर्थात व्यापम द्वारा तमाम जो परीक्षाएं हैं ली जाती है। तो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनको भी व्यापम की तरफ से ही लिया जाएगा, जो कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, व्यापम के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उनका जो सिलेबस जारी होगा वह भी व्यापम के द्वारा ही सिलेबस जारी होगा, क्योंकि व्यापम ही शिक्षक भर्ती परीक्षा लेगा। व्यापम द्वारा जब भी परीक्षा ली जाती है दोस्तों, तो माइनस मार्किंग होती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, तैयारी अभी से शुरू कर दें दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा आप सबको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में। और अनेकों सवाल हैं दोस्तों जो हमारे मित्रों के हैं, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जो भी सवाल आपके बनते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सवाल जो इन सवालों से हट के होगा, उन सवालों को लेकर फिर से हम एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको उन सवालों से आपका जो सवाल है उनका सटीक और सकारात्मक जवाब मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।